press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या आप fluent English बोलना चाहते हैं? तो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए. लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप English improve करना चाहते हो, तो अब आप Cambly application की मदद से native English speaker से बात करके अपना इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे. अगर आप कैम्बली एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी. वहां पे एक कोड भी मिलेगा. अगर आप वो कोड का यूज करोगे तो आपको सिर्फ $18 में 30 मिनट्स पर डे एक वीक के लिए मिलेंगे. तो अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन एरिया में. दोस्तों, हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता है, सबको अच्छा लगता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, लेकिन नहीं हो पाता है. अब उसके पीछे काफी सारे रीजंस है, लेकिन मेरे पास आज ये वीडियो में आपके लिए 3 टिप्स है. एंड अगर ये 3 टिप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपना इंग्लिश इंप्रूव तो डेफिनेटली करोगे. सबसे पहली जो टिप है वो ट्राई कीजिए नेटिव स्पीकर से बात करने की. ट्राई कीजिए ऐसे पर्सन से बात करने की जो आपसे इंग्लिश में बेहतर है. हो सके इतना ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए, आप बोलिए, सुनिए. ताकि चीज ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप बोल पाते हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप नहीं बोल पाते हो. लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, कुछ चीज ऐसी होती है जो आप बोल पाते हो, वो भी आप नहीं बोल रहे हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. वो अगर आप बिल्ड नहीं करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे. अगर आप बोलना चाहते हो तो पहले आपका जो स्ट्रांग एरिया है, जो आप बोल सकते हो, उससे इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि जो रिमेनिंग पोर्शन उसके बिना भी एक टाइम पे आप फ्लुएंट बोल पाओ. हो सके इतना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें. एंड हो सके तो नेटिव स्पीकर से बात करें, क्योंकि उनके एक्सेंट, उनसे आप बहुत सारी चीज सीखोगे. एक्सेंट सीखोगे, प्रोनाउंसिएशन सीखोगे, वे ऑफ टॉकिंग सीखोगे, बहुत सारी चीज सीखोगे. अगर वो आपको करना है तो कैम्बली एप्लीकेशन की मदद से आप कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी. दूसरी जो टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली हम बोल पाते हैं, हमारे पास नॉलेज तो होता है, वोकैबुलरी भी होती है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि हमारे पास वो नहीं है, वो है बैकग्राउंड एक्सपोजर. अब आप मार्केट में जा रहे हो, मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हो, क्या कभी आपने कुछ इंग्लिश में सुना? नहीं. आप मॉल में जा रहे हो, क्या कभी कुछ इंग्लिश में सुना? मूवी भी हम बॉलीवुड हिंदी देखते हैं, हॉलीवुड मूवी घर पे देखते हैं डब करके. क्या हम हमारे बैकग्राउंड में कहीं भी इंग्लिश को रखते हैं? नहीं. तो यही तो रीजन है. अगर आप उसे रखोगे ही नहीं तो आप बोल कैसे पाओगे? तो हो सके इतना एक्सपोजर लीजिए इंग्लिश का, हो सके इतना एक्सपोजर लीजिए, जितना हो सके उतना एक्सपोजर लीजिए. जैसे कि हो गया बीबीसी न्यूज, जैसे कि इंग्लिश मूवीज है, इंग्लिश सॉन्ग्स है, वो सारी चीज बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए. आप अपना काम करते रहिए, बैकग्राउंड में उसे चलने दीजिए. आप अगर ऐसा करोगे तो आपको यहां एक दो दिन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अगर आप उसे करते रहोगे, दो तीन महीने के बाद ऐसा आप फील करोगे, ऐसा होगा कि यार ये तो मैंने कभी बोला भी नहीं, मैं फ्लुएंटली बोल गया. क्योंकि वो आप सुनते रहे हो, उसका एक्सपोजर आप पे आया है बहुत ही अच्छा, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करोगे. तो ये फर्स्ट टिप ये है कि आप ट्राई कीजिए बात करने का, टूटा फूटा ही सही बोलना स्टार्ट कीजिए. सेकंड है कि आप एक्सपोजर लीजिए इंग्लिश का, जितना हो सके इतना एक्सपोजर लीजिए. थर्ड टिप ऐसी है जो थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी, जो है रीडिंग. कोई भी पसंद नहीं करता है रीडिंग. अब अगर आप रीडिंग करोगे तो आप बहुत सारी चीजें डीप में समझोगे. ग्रामेटिकल एरर्स अगर आप कर रहे हो तो आप वहीं पे सॉल्व कर लोगे, यार ये ऐसा क्यों लिखा है, मैं तो इस तरह से बोल रहा हूं. जब आप वो डीप में जाओगे आपको पता चलेगा मैं ये एरिया में गलत था, अब मैंने सही कर लिया है. तो जैसे 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 ये आप तीनों चीज साइमल्टेनियसली करोगे, 3 to 4 months में आपको ड्रेस्टिक चेंज मिलेगा. आप फील करोगे कि नहीं यार, मैं जो 3 महीने पहले बोलता था अब बोल रहा हूं, काफी ज्यादा डिफरेंस है. यहाँ पे पढ़ने के लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर. 2 से 5 रुपए के बीच में बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाएंगे. पढ़िए, उसे पढ़ते रहिए. अगर आप उसे पढ़ते रहोगे तभी जाके इंप्रूव करोगे. यहां पे 3 चीज करनी है. आप एक बार सोचिए कि 3 चीज का आप पे क्या इंपैक्ट आ सकता है. सबसे पहले आप नेटिव स्पीकर से बात करने का ट्राई करो, मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. आपसे निकल रही है चीजें, भले ही वो टूटी फूटी है, ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है, निकलने दीजिए. सेकंड, आप सुन रहे हो,
आप सुनते जा रहे हो, आप नई नई चीजें आपके कानों में आ रही है, वो आपके ब्रेन तक तो जा रही है, आप यूज नहीं कर रहे हो लेकिन जा रही है। थर्ड, आप रीडिंग कर रहे हो। अब रीडिंग में तो आपको पता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब ये तीनों चीज साथ में मिलेगी तो यहाँ पे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल ही पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये टिप्स तभी काम करेगी जब आपके पास बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, वरना सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे ये तीन टिप्स का यूज करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। 3 months चैलेंज लीजिए, 3 टिप्स पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाए। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। तो जल्दी ही एक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।